हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडुकेशन विद टेक्निकल स्किल एडुटेक स्किल के साथ। सो फ्रेंड्स, गेस कीजिए कि आज का एपिसोड किस बारे में होगा। बट जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज के एपिसोड में मैं आपको शेयर कराऊंगी इंटरनेट की दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड की जितने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो सबको मैं आपको वर्चुअली दिखाऊंगी। कैसे? उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाके देखना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप गूगल आर्ट एंड कल्चर करके सर्च भी कर सकते हैं सर्च इंजन में। अगर आप सर्च करना नहीं चाहते तो आपका गूगल आइकन के पास जो छोटा छोटा बॉक्सेस है उसमें भी क्लिक करके आप इसके साइट में जा सकते हैं। इस साइट को फुल फेज में एक्सप्लोर करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। बस अभी थोड़ा सा आपको होम पेज में जितना सारा ऑप्शन है उसके बारे में दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें कुछ गेम्स है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खेल सकते हैं, और स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है नॉलेज गेन करने के लिए। उनको आप ये दे सकते हैं, इसमें कुछ खतरा नहीं है उनके लिए कि एडिक्टेड हो जाएंगे या फिर कुछ भी। तो उनका जीके का नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए आप उनको दे सकते हैं। यहाँ पे आपको होम पेज में हमेशा एक ही टॉपिक नहीं मिलेगा, या फिर मेरे स्क्रीन में जो देख रहे हैं वो आपके स्क्रीन में दिखेगा, ये ज़रूरी नहीं है। मैं भी 2-3 दिन बाद ये और कुछ अपडेट कर देगा। तो अभी मैं जो देख रही हूँ यहाँ पे लिखा है डिस्कवर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कौन कौन से जगह पे क्या क्या पड़ा है वो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो जगह के बारे में मैं चेक कर रही हूँ वो है किल्वा किसवानी। तो उसके बारे में वो क्या है, कैसे क्या था, उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिलेगा। और नीचे एक छोटा सा एरो मार्क है, उसको क्लिक करते जाएंगे तो नया नया टॉपिक आपको उसी रिलेटेड मिल जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे मैं और एक ऑप्शन में क्लिक की थी बगरहाट, वहाँ का भी देखिए व्हाट इज बगरहाट, और वहाँ का जो एरियाज है उसमें क्या क्या क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ा है वो सब आपको यहाँ पे छोटा एरो मार्क में क्लिक करके आप दे सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे 5 एरिया था उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से नीचे हम लोग थोड़ा साइंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टुडेज टॉप पिक, मतलब जो हॉट टॉपिक होगा उसको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। फिर इसके हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें क्लिक करके आप उसी के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूके का एक म्यूजियम देखने चलते हैं। मैं आपको अभी वर्चुअली दिखाने जा रही हूँ यूके का एक म्यूजियम के अंदर कैसे दिखता है। ये सबसे अमेजिंग पार्ट है आर्ट एंड कल्चर साइट का, जहाँ पे आप पूरा जैसे फिजिकली जाके विजिट कर रहे हैं ऐसे ही। कोई भी यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप ऐसे 3D व्यू करके देख सकते हैं। ये शायद आप 3D नहीं बोलेंगे, ये कितना डी होगा उसका पता नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टार टाइप का एक शेप बना हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे तो जिस साइड आप जाना चाहेंगे उस साइड में वो स्टार आपको ले लेगा। आपको यहाँ पे विजिट के साथ साथ नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ है उसको भी पढ़ते जाइए, और जैसे आपके सामने कोई लाइट है या फिर कोई पेंटिंग है या फिर आपका लैब है वो सब आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप माउस में उसको राउंड राउंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी एरो पॉइंटेड की को क्लिक करके आप उसी जगह को पास से देख सकते हैं, या फिर जूमिंग करके वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ये एरो जहाँ जहाँ रास्ता है उसी साइड में, ये जो पहले स्टार वाला एरो था अभी वो स्टार नहीं है, जहाँ जहाँ रास्ता है वहीं पे स्टार बना है, एरो मार्क वहीं पे बना है सर। आप तो घूम लिए, उसके बाद साइड में भी बहुत सारा आपको उसी रिलेटेड नॉलेज भी मिल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे आते तो ये गेमिंग वाला पार्ट है, इसको भी आप प्ले कर सकते हैं। पहले मैं इसको खेल चुकी हूँ, आप भी खेलिए। इसमें बहुत सारा पेंटिंग देता है और आप उसको कलर करेंगे या अपने हिसाब से कलर देंगे, या नेचुरली जो था उसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। नीचे आपको एम्स्टरडेम का भी बहुत कुछ दिखने को मिल रहा है,
जो भी फोटो में क्लिक करेंगे उसी के अंदर और थोड़ा सा आप चलते जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए कुछ कुछ कलर का पिक करने के लिए लिखा हुआ है। सो चलिए हम लोग कोई म्यूजियम या फिर और कोई प्लेसेस 360 डिग्री व्यू में 3D इमेज के साथ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा इमेज के ऊपर एक इंसान का मार्क है। एक्चुअली ये इंसान का मार्क आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपको ये 360 डिग्री व्यू देगा, जैसे आप खुद से जाके म्यूजियम घूम के आ रहे हैं, जिसमें इंसान का फोटो नहीं होगा। आप सोचिए कि वो इमेज या फिर वीडियो फॉर्म में होगा जो कि आप 3D व्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक म्यूजियम के अंदर है। जैसे आप म्यूजियम में जाते हैं, इस रूम में जाते हैं, फिर उस रूम में जाते हैं, पेंटिंग के पास जाते हैं, यहाँ पे भी आप पेंटिंग के पास जा सकते हैं और वो थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो जाएगा, या फिर बैक कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे देखिए कुछ आइडल्स है, उसको भी देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में भी कुछ फोटो है, उसको भी देख सकते हैं और फिर अपने प्लेसेस में बैक कर सकते हैं। ये साइट गूगल एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है और ये AI बेस्ड वेबसाइट है। और गूगल हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता रहता है और आपके लिए जो कि दुनिया में कभी नहीं हुआ है वो गूगल करके आपके सामने में इजीली फॉर्म में जैसे आप समझ सकते हैं और फिर कोई लैगिंग नहीं होगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ऐसे फॉर्म में हमारे सामने ले आता है। सो यहाँ पे जो म्यूजियम था उसके डिफरेंट डिफरेंट रूम में हम लोग जाके देख रहे हैं। ऐसे आप भी कोई भी म्यूजियम वर्ल्ड का जो इसमें रजिस्टर्ड होगा, मतलब जिसका 3D व्यू 360 डिग्री फॉर्म में है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इसमें बहुत कुछ आपको समझाना नहीं है क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे स्क्रीन में आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। सो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग फॉरेन जाके कोई म्यूजियम या फिर कोई अच्छा सा प्लेस को जाके सामने से देखें। तो अगर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, गूगल हमारे लिए इंटरनेट के दुनिया में वो सब आसान कर दिया है देखने के लिए। स्टूडेंट्स लोगों के लिए और भी आसान हो गया क्योंकि कोई भी टॉपिक को पढ़ाई करना और पढ़ाई के साथ उसको विजिट करके देखना, ज़्यादा रिकॉल करने के लिए उनको ईजी होगा। इसीलिए मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि ये साइट वो ज़रूर फॉलो करें। कोई हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी पढ़ते वक्त इसको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जो कल्चरल इवेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द म्यूजियम ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड, उसको क्लिक करते हैं तो उसका भी 3D व्यू आ रहा है। आप उसके ऊपर माउस इधर उधर करके उसके पास जाके देख सकते हैं या दूर उसको थोड़ा जूम इन जूम आउट करके ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्लोर द नॉनसेंस लेबोरेटरी, तो उसमें भी जाके हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें क्या है, क्यों उसका नेमिंग ऐसे हुआ है। और कुछ टेंपल या फिर कोई प्लेसेस ये स्ट्रीट व्यू के साथ भी देता है। यहाँ पे हम लोग एक इंडोनेशिया का टेंपल को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये स्ट्रीट व्यू कैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और एरो मैप, जैसे कि मैं पहले से भी बोली थी कि जिस जिस साइड जाने का ऑप्शन रहता है उसी साइड में एरो मैप अपने आप बन जाता है। तो देखिए कोई भी एरो मार्क में क्लिक करने के बाद पहले थोड़ा ब्लरी आएगा क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंटरनेट लेता है और आपका कनेक्शन भी स्पीड होना चाहिए थोड़ा। और सीढ़ी के ऊपर जाने के लिए भी एरो मार्क ऊपर जा रहा है और ऐसे करके स्ट्रीट व्यू के साथ आप इसका मज़ा ले सकते हैं। और नीचे थोड़ा आएंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इतना सारा हम लोग एक ही एपिसोड में एक्सप्लोर नहीं कर सकते और वो सबको अपने आप आपको करना पड़ेगा, या फिर आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ये एपिसोड एक्चुअली आज ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग फिर से और एक पार्ट में करेंगे।
इसका जो भी फीचर्स है उसके ऊपर हम लोग नहीं गए हैं, बस होम पेज में जो भी सारा हम लोगों को दिख रहा है उसको क्लिक करते गए हैं। सो इसका जो होम पेज है वो हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे कि मैं आपको पहले से भी बता चुकी हूँ, वो करंट सिनेरियो जो भी होगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके लिए जो सही रहेगा वो गूगल एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड ग्रोइंग माई चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।